माय यूट्यूब चैनल मीना मैथमेटिक्स, यूट्यूब चैनल मीना टेक्नोलॉजी पर। तो दोस्त, आज हम बात करेंगे एक शुरुआती दौर नए चैप्टर की, मैट्रिक्स की, जो आपके दोस्त बोर्ड एग्जाम में 8 से 10 नंबर के पूछते हैं, जिसमें आपको 4 गो 1 नंबर रहता है जो एक एक क्वेश्चन का होता है, और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन होता है 2 गो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछते हैं। इस प्रकार से आपका सिलेबस जो बिहार बोर्ड के में मैट्रिक्स से जो पूछा जाता है वो आपके 8 से 10 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो दोस्त, हम मैट्रिक्स के बारे में आज विशेष बात करेंगे। उससे पहले मैट्रिक्स की कुछ इतिहास के बारे में आपको बता दें कि मैट्रिक्स बहुत दिन पहले से शुरू हुई है। लगभग यह 1800 ईस्वी के बाद इसकी शुरुआती में तेजी आई है। मैट्रिक्स का हिंदी होता है अभियोग। बहुत समय लंबा इसका इतिहास है दोस्त। यह चीन के 2वीं सदी में गणितीय पाठ्यकला में 9वीं अध्याय के लिखा गया, जो 2वीं सदी में लिखा गया। इसका पहला उदाहरण इतना कठिन था, यह इतना जटिल था, यह एक अभियोग की रचना के अनुसार इसको हल किया गया, जिसके अनुसार इसका नाम अभियोग मैट्रिक्स रखा गया। उसके बाद इससे 1545 ईस्वी में इटली के गणितज्ञ लियोनार्डो कार्डो ने इस विधि को चीन से ले लिया और इसे अपने यहां प्रकाशित किया। उसके बाद इटली के गणितज्ञ गिलो रामो कार्डो ने इस विधि को चीन से लेकर यूरोप में उसे अर्क्स मेघना नामक से उसे प्रकाशित किया। तो दोस्त, इसी प्रकार से इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। फिर इसके बाद ने जापान के वैज्ञानिक सेकी इसको अपने विधि से फिर इसको प्रकाशित किया। उसी तरह से फिर आगे बढ़ता गया इसका विकास। इसके बाद डच गणितज्ञ जेंडे ने इसका एक परिवर्तन रूप 1659 ईस्वी में पुस्तक में प्रकाशित किया। लेकिन दोस्त, यह पहले जो था एक अलग था। पहले इसकी परिभाषा सर्वप्रथम लिवेस्टर 1850 ईस्वी में इसकी परिभाषा दी थी कि मैट्रिक्स हुआ है जिसका हम लोग डिटरमिनेंट बना सकते हैं। लेकिन अभी जो आधुनिक के अनुसार, मॉडर्न के अनुसार, जो आपके यह मैट्रिक्स जो है अति संक्रमणीय संख्याएं हो गई है। इस दृष्टि से गिल्टन ने 1853 ईस्वी में और केली ने 1858 ईस्वी में इसे परिभाषित किया और इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाया गया। तो दोस्त, अब हम बात करते हैं, यह था कुछ गिनी चुनी बातें जो आपको किसी किसी को पता है या कोई कोई आपको बताएगा। तो दोस्त, हम अब इसके बाद आगे बात करते हैं आपके पाठ्य सामग्री जो आपके 12th बोर्ड में पूछता है और आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसकी बात बताते हैं। चलिए देखते हैं मैट्रिक्स क्या है। देखिए दोस्त, आप कॉपी में लिखते रहिएगा अपना मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है आपका अभियोग। यह जो आपको 12th बोर्ड एग्जाम में, आपको बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो पूछेगा वह आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो आपको 4 नंबर का होगा। उसके बाद 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपको 4 नंबर का। इस प्रकार से टोटल नंबर आपका 8 से 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। चलिए दोस्त, हम जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है? आइए देखिए, मैट्रिक्स इसका डेफिनेशन क्या होता है दोस्त। मैट्रिक्स का हिंदी तो अभी होता है, हम आपको अभी बता चुके हैं। आइए देखिए,
अवयव। अवयव होता क्या है, यह इसकी डिफिनेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए देखिए इसकी डिफिनेशन, बहुत ही आसान मेथड है आपका, बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपका यह डिफिनेशन रहेगा। मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एराई मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एराई ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इन रो और कॉलम, रो और कॉलम। दोस्त ये बड़ी आसान डेफिनेशन हम आपको लिखा है, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में क्या है कि मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एराई ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन रो और कॉलम्स। क्या लिखा है कि मैट्रिक्स एक आयताकार अपने आप में सजा हुआ, सजाया हुआ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर को सजा कर एक आयताकार बॉक्स में रखता है, उसे हम लोग एक अच्छी ढंग से रो और कॉलम में, तब हम उसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए आप समझिएगा जरा गौर से, ध्यान से। मैट्रिक्स इज एनी रेक्टेंगुलर एराई, मैट्रिक्स इज एनी कोई आयताकार एराई अपने आप में सजा हुआ ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का इन रो और कॉलम। रो और कॉलम में रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आप में आयताकार रूप में सजाया हुआ है, उसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आइए एक और डेफिनेशन आपको देते हैं, इससे थोड़ा बड़ा सा। देखिए दोनों का मतलब वही रहेगा। चलिए देखिए, एनी रेक्टेंगुलर एराई, एनी रेक्टेंगुलर एराई एनी रेक्टेंगुलर एराई ठीक है, आइए ऑफ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फाबेट लेटर अल्फाबेट लेटर्स ट्रिगो फंक्शन डॉट डॉट एटीसी इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। क्या लिखे हैं ध्यान से समझिएगा, उससे थोड़ा यह लॉन्ग डेफिनेशन है बट आसान है। क्या है ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिएगा, एनी रेक्टेंगुलर एराई, एनी रेक्टेंगुलर एराई कोई रेक्टेंगुलर आयताकार सजा हुआ ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फाबेट लेटर ट्रिगो फंक्शन एटीसी की रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिगो फंक्शन या अल्फाबेट लेटर को आप किसी भी मतलब उसको आयताकार रूप में सजा हुआ इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, उसे रो और कॉलम के रूप में सजा हुआ आयताकार को हम मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एनी कैपिटल लेटर, इसे हम लोग एनी कैपिटल लेटर्स के सूचित करते हैं। एबीसीडी का आप कोई भी अक्षर ले लीजिए, उससे इसको आप डिनोटेट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। मैट्रिक्स है एम रोज
and n columns. Then A by n order of matrix. Order of matrix. दोस्त कह रहा जरा ध्यान से समझिए हम क्या लिखे हैं कि मैट्रिक्स है जो m रोज एंड n कॉलम्स, देन m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. किसी भी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम होता है, देन मैट्रिक्स इज उसे हम लोग m by n रो m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. आपके मन में बड़ी आसान क्वेश्चन उठता होगा कि सर रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है. आइए उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है. देखिए गौर से फिर हम इसकी बात करेंगे कि m के पास m रो और n कॉलम्स होते हैं ऑफ मैट्रिक्स, तो मैं उसे हम लोग m by n, m by n ऑर्डर मैट्रिक्स कहते हैं. ध्यान से समझिए, m by n है, m by n ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं. जरा आप सोचिएगा कि इसको हम m गुने n और m by n कैसे करते हैं. आपने आपने रूम बनवाया होगा, जब घर बनता है तो आपसे घर की जो लंबाई पूछा जाता है तो आपको या उसकी एरिया बताया जाता है, तो आप कहते हैं कि यह रूम 8x10 है, यह कमरा 9x11 है. तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, वहां पर 9 क्या होता है उस रूम की लंबाई और 11 क्या होता है उस रूम की चौड़ाई. उसी प्रकार से मैट्रिक्स को हम जो नापते हैं उसके रो और कॉलम से नापते हैं. रो की संख्या पहले लिखा जाता है और कॉलम की संख्या बाद में, और उसे रो जितना होता है उतना बाई उतना. जैसे एम रो और एन कॉलम है तो एम बाई एन कॉलम, मतलब एम बाई एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स उसको कहेंगे. आइए आपके मन में बड़ी आसान क्वेश्चन उठता होगा कि सर रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं. आइए हम जानते हैं रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं. ध्यान से समझिएगा रो क्या है और कॉलम क्या है. रो देखिएगा, रो क्या होता है सर, रो का हिंदी होता है पंक्ति. ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन के बाद हम इसकी विशेष चर्चा करते हैं. डेफिनेशन क्या है इसका, देखिए, सम एलिमेंट्स आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, दैट इज इसे हम लोग R1, R2, R3 इट इज सेम डिनोटेड करते हैं. फिर आइए जानकारी प्राप्त करते हैं कॉलम के बारे में. कॉलम क्या होता है, कॉलम का हिंदी होता है इसका स्तंभ. आइए, सम एलिमेंट्स आर ए वर्टिकल लाइंस, आर कॉल्ड कॉलम. It is denoted by C. हम लोग इसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं. That is, अर्थात इसे हम लोग C1, C2, C3 .. ADC से लिखते हैं. फिर आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है. आइए इसकी हम आपको अच्छी से जानकारी देते हैं. तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल का मीनिंग होता है आपका क्षैतिज. सर आप एक तो बताते हैं दूसरे में फंसा देते हैं. बात क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टल का मीनिंग बताया क्षैतिज, फिर हमको क्षैतिज में दिक्कत हो गया, वर्टिकल बताया ऊर्ध्वाधर, फिर आपको ऊर्ध्वाधर में दिक्कत हो गया. तो दोस्त आप ध्यान से समझिएगा, जब आप छोटे होइएगा बचपन में होइएगा तो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बड़ी आपको अच्छी टेक्निक से बताया गया होगा. उस टेक्निक का जरा हम भी बात कर लेते हैं. देखिए
आपको जो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सिंपल सी बात है, आपको परिरेखा जो आपको बचपन में पढ़ाया गया परिरेखा, जैसे कि आपको सोया हुआ ऐसे, परि मतलब गिरा हुआ, ऐसे यदि आपको यह गिरा हुआ है तो यह क्या हो गया आपका परिरेखा हो गया, उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। मतलब क्या पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल लाइन, पृथ्वी के समांतर रेखा में जो भी रेखा गुजरती है उसे हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब परिरेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन क्या होता है सर? तो वर्टिकल लाइन होता क्या है जरा गौर से सुनिएगा, वर्टिकल मतलब हिंदी उसका होता है ऊर्ध्वाधर, लेकिन आपको बच्चों ने पढ़ाया गया होगा खड़ी रेखा, जो खड़ा होता है स्तंभ की तरह खंभे की तरह, उसे हम लोग परिरेखा वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो आप समझ गए होइएगा कि रो किसे कहते हैं कॉलम किसे कहते हैं। सर ये तो आप मीनिंग बताए, रो कॉलम के बारे में बताए कहां, आइए उसकी जानकारी करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपको जो भी दिक्कत होगा आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपके स्क्रीन पे नंबर रहेगा। आइए बात करते हैं आपको क्या है, देखिए यह जो है आपका कोई ऐसे मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स का साइन है। देखिए हम फिर आपको इसकी चर्चा करेंगे, जाना 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यह जो दे दिया आपको, इसमें आप कहिएगा सर रो कितना है कॉलम कितना है, जरा गौर समझिएगा, सिर्फ हम रो और कॉलम समझा रहे हैं। यह जो है आपको क्या बताया है खड़ी रेखा और परिरेखा, परिरेखा इज हॉरिजॉन्टल लाइन उसे हम लोग रो कहते हैं, खड़ी रेखा मतलब वर्टिकल लाइन उसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, यह जो है आपका रो हुआ फर्स्ट रो इसको हम लोग कहते हैं, ये सेकेंड रो हुआ ये थर्ड रो हुआ, इसको आप लोग कहिएगा फर्स्ट रो आर वन, इसे हम लोग कहेंगे सेकेंड रो आर टू, इसको कहेंगे हम लोग थर्ड रो मतलब तीसरा रो। आइए फिर यह था आपका, ध्यान समझिएगा हॉरिजॉन्टल लाइन में फर्स्ट रो सेकेंड रो और थर्ड रो, उसके बाद फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, यह आपका जो होगा सी वन होगा, यह आपका सी टू होगा और यह आपका सी थ्री होगा। ध्यान समझिएगा, आपसे यदि कोई पूछे कि फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट है तो तीन है, बात तो सही है। अब देखिए फर्स्ट रो में कौन कौन है, तो 3, 4, 5 फर्स्ट रो में, ऐसे आप पेन लीजिएगा, पेन ऐसे रखिएगा 3, 4, 5 यह आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया। उसके अंदर जो सजे हुए एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया ध्यान समझिएगा, आर टू 6, 7, 8, आर थ्री 9, 10, 11 आपसे पूछेगा सी वन मतलब फर्स्ट कॉलम, तो 3, 6, 9 फिर आर टू मतलब सॉरी सी टू आपसे पूछेगा तो 4, 7 और 10 फिर आपसे पूछेगा सी थ्री तो 5, 8 और 11। तो आपको आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे आपको रो और कॉलम समझ में आया क्या होगा। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं, सर रो कॉलम बता दें कितना बाई कितना का मैट्रिक्स है, आर एन टू सॉरी। अब देखिए आपको क्या है कि रो पता हो गया और कॉलम पता हो गया, तो रो कितना 3, कॉलम कितना 3, तो भाई सिंपल सा बात है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए फिर हम इसके आगे बात करते हैं, रो कॉलम तो समझ लिए, इसे जनरेटेड करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से वो भी समझ लिए, अब इसको हम FIN ऑर्डर का मैट्रिक्स कहते हैं यह भी समझ लिए। अब आगे बात करते हैं इसकी साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है मैट्रिक्स, जैसे आपको एक चिन्ह नजर आ गया, देखिए साइन ऑफ मैट्रिक्स, साइन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का चिन्ह क्या होता है, अवयव का चिन्ह, इसका तीन चिन्ह होता है, जनरली हम लोग बस फर्स्ट वाला का ही ज्यादा उपयोग करेंगे, फर्स्ट आपका जो दिख रहा है वो आपका क्या है एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर में एक एलिमेंट को रो और कॉलम के रूप में सजा दीजिए उसी को मैट्रिक्स कहते हैं, वही उसका चिन्ह है। उसके बाद हम या इसको छोटा ब्रैकेट से हम भी लिख सकते हैं या आप डबल ब्रैकेट से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डबल ब्रैकेट।
इसमें एलिमेंट को सजा दीजिए, अभी यह चिन्ह है, अब इसको एलिमेंट को सजा दीजिए, मैट्रिक्स बन जाएगा, रो और कॉलम आए, तो चिन्ह की बात हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल, जैसे आप देखिए कि मैट्रिक्स दिखेगा कैसे, ए इज इक्वल टू दिखेगा आपको, हम जनरली फर्स्ट वाला साइन का उपयोग करेंगे, नॉलेज क्या लिए आपको तीनों बता दिए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यह जो आपका है 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। फिर आपको बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, ध्यान से समझिएगा, यह आपका कितना हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब 3 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। सी जो होगा आपका, फिर समझिएगा, यह जो है आपका कितना बाई कितना का है, 2 by 3, मतलब किसी भी ऑर्डर में आप इसको सजा सकते हैं, लिख सकते हैं, इसी प्रकार से आपका मैट्रिक्स है। यदि ऐसा चीज मिले आपको दिखा तो आप समझ जाइए कि यह क्या मैट्रिक्स है। अब हम बात करते हैं द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स का रूप क्या होता है, कैसे कैसे हम उसको लिख सकते हैं, आइए देखिए। चलिए द फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपको किस रूप में दिखाई देगा, द फॉर्म का रूप, एनी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स का रूप, ठीक है, अवयव का रूप, ध्यान से समझिएगा क्या होता है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे, स्मॉल है ए आई जे, यह ए गई, ए आई जे का मतलब क्या है उसके बारे में भी आपको समझाएंगे, ध्यान से समझिएगा, एम बाय ए बी ए मैट्रिक्स, यहां जो आपको मैट्रिक्स होगा किस रूप में होगा, ध्यान से समझिएगा, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री डॉट डॉट ए वन और एन, फिर समझिएगा ए टू वन ए टू टू ए टू थ्री डॉट डॉट ए टू एन, फिर डॉट 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 डॉट, इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, फिर यहाँ पर एम वन ए एम वन ए एम टू डॉट डॉट ए एम एन, यह जो आपका मैट्रिक्स बना एम बाई एन ऑर्डर का, मतलब आप किसी भी रो में कॉलम में आप सजा सकते हैं, 2 by 3 में या 3 by 4 में या 4 by 5 में या 5 by 6 में या 10 by 12 में, कितना भी रूप में आप सजा सकते हैं, जितना रो होगा उतना कॉलम होगा, जितना रो होगा और कॉलम उसको हम ऑर्डर को लिख लेंगे। आइए देखिए, जैसे आप ऐसे भी 1 2 3 4, यह भी एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे 4 by 1, यह भी एक मैट्रिक्स है, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इसको हम लोग 1 by 4 कहेंगे, किसी भी रूप में आप मैट्रिक्स को सजा सकते हैं। नोट पॉइंट कुछ देखिए, नोट नंबर 1, मैट्रिक्स पॉसिबल, मैट्रिक्स पॉसिबल पॉसिबल एनी ऑर्डर, आप किसी भी ऑर्डर में आप इसे लिख सकते हैं, मैट्रिक्स पॉसिबल एनी ऑर्डर, मैट्रिक्स को हम किसी रूप में लिख सकते हैं। दूसरा समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स किसको कहते हैं, जो उसके बीच में बैठे हुए हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू एम गुना एन, मतलब एम एन, यह आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगा किसी भी मैट्रिक्स का। आइए फिर इसके आगे बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिक्स का, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा यार डिफिनेशन है तो सबको जानना जरूरी है, वैसे डिफिनेशन आपको बोर्ड में पूछता नहीं है, लेकिन जब तक आप डिफिनेशन नहीं जानिएगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, पहचानिएगा ही नहीं कि कौन क्या है तो आप कैसे सवाल को समझिएगा, इसलिए जरा गौर से देखिएगा समझिएगा। देखिए आगे की बात करते हैं,
देखिए ध्यान से, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स से पहले आप एक क्वेश्चन हम बना देते हैं। क्वेश्चन देखेगा कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन क्या होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका, ध्यान समझिएगा, कहेगा कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स हुज एलिमेंट, कंस्ट्रक्ट ए एलिमेंट कहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, टू बाय थ्री ऑर्डर, टू बाय थ्री ऑर्डर का हुज एलिमेंट्स, हुज एलिमेंट्स गिवन दैट ए आई जे इजकल टू आई माइनस टू जे। ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स टू बाई थ्री ऑर्डर, होज एलिमेंट गिवन दैट ए आई जे इजकल टू आई माइनस टू जे। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाइए, एक मैट्रिक्स बनाइए, आपको मैट्रिक्स बनाना है, होज एलिमेंट्स गिवन दैट, उसके एलिमेंट दे दिया गया है। क्या दिया गया है ध्यान समझिएगा, कि उसके एलिमेंट्स गिवन है ए आई जे बराबर आई माइनस टू जे। कहेगा सर आई जे फिर क्या आ गया, अब आई जे के बारे में तो नहीं पता है। ध्यान से समझिएगा आई जे क्या है, यहीं पर हम आपको बता देते हैं। देखिए आई जे क्या है, ए आई जे, ए आई जे का मतलब हुआ एलिमेंट्स ऑफ आई थ्रो एंड जेथ कॉलम्स, जेथ कॉलम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि वह एलिमेंट जो आई थ्रो, आईमा रो और जेमा कॉलम पे बैठा हुआ है, जैसे कि अभी हम आपको बताया थे ए वन वन, मतलब हुआ कि ए फॉर स्मॉल ए फॉर उसका मतलब एलिमेंट होता है, और वन वन मतलब आपका हो गया कि फर्स्ट रो तो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू इसका मतलब होगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। यहां समझिएगा आप क्या है आपका। यहां पर क्वेश्चन की बात करते हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर, होज एलिमेंट्स गिवन दैट ए आई जे बराबर दिया हुआ है क्या आई माइनस टू जे। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे क्या लिखेंगे हम लोग हेयर, यहां आपको ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आपको आई माइनस टू जे। आइए लेट मानते हैं हम लोग, मान लिए क्या कि ए बी ए मैट्रिक्स थ्री बाय टू बाय थ्री ऑर्डर, टू बाय थ्री ऑर्डर, आइए टू बाय थ्री ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा उसका रूप कैसा होगा ध्यान समझिए। ए इक्वल टू इसका जो रूप होगा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो आपको टू बाई थ्री है, ए वन वन, टू बाई थ्री का मतलब समझ रहे हैं टू रो और थ्री कॉलम, मतलब दो को आपके रो होगा और तीन को कॉलम होगा, ध्यान समझिएगा ए वन टू ए वन थ्री, फिर आप समझिएगा ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री, बस हो गया। यह आपका क्या हुआ एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ कि जो भी 2 बाय 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वह इसी रूप का होगा ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू वन ए टू टू और ए टू थ्री। कहेगा ए वन वन का मतलब हुआ एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ए वन टू का मतलब हुआ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, ए वन थ्री का मतलब हुआ फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फिर ए टू वन का मतलब हुआ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ए टू टू का मतलब हुआ सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, फिर यहाँ ए टू थ्री का मतलब हुआ सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। यह एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ टू बाई थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स के। यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ कि इसमें यह एलिमेंट नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, एलिमेंट क्या होगा ध्यान समझिएगा, दिया हुआ आपका ए आई जे इसका टू आई माइनस टू जे, आई माइनस टू जे, आई यहाँ आपको बता दिए कि आई है रो
और जे है कॉलम आई। आपको यहां पर कह रहा फर्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं हम लोग, यहाँ ए वन वन है तो ए वन वन निकालते हैं। तो ए वन वन मतलब यहाँ पर जो है ए आई जे से आप कंपेरिजन कीजिएगा ए वन वन को।